यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो जीएस वर्ल्ड क्लासेस है, ठीक है। तो इसका यूपी पीसीएस के लिए यहाँ पर क्लास टेस्ट ही है, राइट। जो क्लासेस में टेस्ट होते हैं वो टेस्ट यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, राइट। और जैसे कि मैं पहला आपको करा चुका हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ठीक है। तो दूसरा टेस्ट यहाँ पर है, ये आपका जो इसमें सभी सब्जेक्ट शामिल होगा, ठीक है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, जियोग्राफी, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डेट डेट आपका डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि अप्रैल 2024 है, ठीक है। वो वाला मैंने जून का कुछ कराया था, राइट। तो जितने भी अप्रैल मई जून जुलाई जितने भी पेपर हो रहे हैं वो मैं आपको सब पूरे करा दूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को। यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्न में से वो कौन सा उपाय है जो लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान खींचता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा पहले का, ये बोला है ए आधे घंटे का बहस, ध्यान आकर्षण नोटिस, अल्पकालीन बहस, स्थगन प्रस्ताव। तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर यहाँ से, जो पहला होगा इसका हमारा हो जाएगा ध्यान आकर्षण, जो आपका नोटिस होता है ये, ठीक है। तुम्हारा यहाँ से पहले का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य जो थी उसने स्थापित की थी, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा सेकेंड का हो जाएगा इसका, महाराष्ट्र ने, ठीक है। डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, लेखानुदान कब पारित किया जाता है, ठीक है। जो हमारा लेखानुदान है ये कब पारित किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हमारा जो तीसरा है इसका हो जाएगा आपका, ये आम बहस है उसके बाद यहाँ पर ये प्रस्तुत किया जाता है, ये पारित किया जाता है। चौथा, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताने कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन इसमें से गलत है राष्ट्रपति के अध्यादेश जो लाते हैं उसके शक्ति के बारे में, ठीक है। तो यह जो हमारा गलत स्टेटमेंट है पहला देखो देखते हैं, यह संसद की विधायी शक्ति के साथ जुड़ा होता है, ये करेक्ट है। दूसरा, संसद ये जो हमारा अनुच्छेद 123 में वर्णित है, ये भी आपका करेक्ट है कि हमारा जो 123 है इसमें, और जो राज्यपाल जारी करता है अध्यादेश वो किसमें 213 में, ठीक है, ये भी याद रखना है। और तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ से, पहला दोनों करेक्ट है। संसद के दोबारा होने की स्थिति तिथि से 6 सप्ताह के बाद क्या निष्प्रभावी हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा, राष्ट्रपति द्वारा कभी वापस नहीं ले जा सकता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसे यहाँ पर नहीं है। तो चौथा हमारे यहाँ से गलत होगा। पाँचवा, भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति की जो अभिमुख संघ है उसकी संज्ञा किसने दी थी, ठीक है। उसकी संज्ञा दी थी ये जो आइवर जेनिंग्स है इन्होंने, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। छठा, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान मांग नहीं की जा सकती है, ठीक है। करेक्ट आंसर छठे का हो जाएगा आपका, यहाँ पर राष्ट्रपति। सातवां नंबर है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है, ठीक है। किस प्रावधान के अनुसार यहाँ पर लगाया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर सातवें का हो जाएगा हमारा, ये लगाया जा सकता है। स्टेटमेंट भी दे रखें यहाँ पर, देखो पहला दे रखा है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 365। तो यहाँ पर देखें कौन कौन से आपके जो दिए हुए यहाँ पर विकल्प, वो देखते हैं। यहाँ पर बोला केवल एक, ठीक है, केवल एक तीन, केवल एक चार और केवल एक दो, राइट। तो हमारा यहाँ से जो आंसर होगा इसका सातवें का, ये आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से, देखते हैं इसमें कौन कौन था। यहाँ से जो आंसर होगा देखो इसमें आएगा आपका, एक तो आएगा यहाँ से 356, ठीक है, 356 आएगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था इसमें सातवें में, स्टेटमेंट आपका है 14, ठीक है। जो हमारा स्टेटमेंट 14 है वो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका, एक तो पहला जिसमें से आपका 356 है, ठीक है। दूसरा आपका आएगा 352, ठीक है। तो ये दो आर्टिकल हमारे यहाँ से आंसर हो जाएंगे, एक और तीन, ठीक है, सातवें का। अगला देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन, आठवां यहाँ से, राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। ये किया जा सकता है राज्यपाल की जो अनुशंसा है उस पर, ठीक है, राज्य विधानसभा में, याद रखना है। मंत्रिपरिषद कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पर किया गया, ठीक है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा इसमें, करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा इसका, इसका आंसर होगा आर्टिकल 74, ठीक है, 74 में होता है। जो मंत्री जो परिषद शब्द उसका उल्लेख करता है, जो 75 है ये क्या करता है, 75 ये जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति के कार्यकाल तथा उनकी जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता, उसके आधार पर यहाँ पर वेतन भत्ते संबंधित होते हैं, ठीक है। 75 में ये बताता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 352 आपको मैंने डिस्कस कर दिया ऊपर, कि जो आपका राष्ट्रपति जो लगाता है इसमें, उसमें आपातकाल, ठीक है, या आपका जो यहाँ पर इमरजेंसी लगाएगा उस पर। हमारा आंसर इसका नवे का हो जाएगा, नवे का ए आंसर हो जाएगा 74। दसवां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, ठीक है, कि उसकी पूर्ति कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा दसवें का, यहाँ से पहला राष्ट्रपति के अनुरोध पर, गलत है, राष्ट्रपति के अनुरोध पर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, राज्यपाल के अनुरोध पर, करेक्ट है, ठीक है। अगला, संसद की स्वीकृति के साथ, राइट,
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ, ये गलत है। तो हमारे दो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं, राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ, सी। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर एक पृथक संसदीय समिति की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने महसूस किया था, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 11 हो जाएगा आपका, लंका जो आपका सुंदरम थे इन्होंने, ठीक है। निम्नलिखित में से किससे मतदान हेतु लोकसभा में प्रयुक्त किए जाने से पहले लोकलेखा समिति का जो अनुमोदन था वो प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा हमारा, जो अतिरिक्त अनुदान है ये, ठीक है। अगला 13 नंबर, संविधान के मौलिक, जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। तो 13 का जो हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी, ये स्वर्ण सिंह समिति। 14 नंबर, 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है इसमें से, ठीक है। कौन सा जोड़ा पूछा सही है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो 1919 का अधिनियम केंद्र में जो द्वैत शासन था ये लगाया गया, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि 1935 में लगाया गया था। 1861 का अधिनियम पोर्टफोलियो प्रणाली, विभाग विभाजन प्रणाली थी, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, पूछा कौन सा सही है तो ये करेक्ट है। 1935 का अधिनियम दिल्ली सदनी था, गलत है। 1853 का अधिनियम भारत के गवर्नर जनरल, भी गलत। तो हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ से आपका, 14 का बी नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में संविधान की संघीय जो विशेषता है उनमें से निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही है उसके बारे में, ठीक है। अनम्य संविधान, ठीक है, पहला बोल रहा है यहाँ पे अनम्य संविधान, दूसरा करेक्ट है, दूसरा दीर्घ सदनी विधायिका, ये हमारे भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है, ये दोनों करेक्ट हैं। कैग का पद यहाँ पर नहीं है, सामूहिक जिम्मेदार ये भी नहीं होगा, राज्यपाल का पद ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो भारत के संविधान की संघीय विशेषताएं हैं वो आपके होंगे अनन्य संविधान और दीर्घ सदनी विधायिका, तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा हमारा डी यहाँ से। 16 नंबर, 16, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य वर्तमान संबंध निम्नलिखित में से किस अधिनियम के उपबंधों से शासित हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा जो 16 है इसका हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 17 नंबर, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा पूछ रहा है इनमें से सही है आपको ये बताना है। पहला, इसके लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, गलत है। इसके लिए संसद की बहस की आवश्यकता होती है, ये करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसके लिए केवल लोकसभा की स्वीकृति होती है, गलत है। केवल लोकसभा की स्वीकृति नहीं होती, इसके लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा होगा 17 का दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा मतलब सी, ठीक है। ये बोले इसके लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक, करेक्ट है, संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, तो हमारा गलत हो जाएगा। और ये बोला केवल लोकसभा की होगी तो ये भी गलत है ना, दो स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए यहाँ से, दो दो चार सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव MK3 के संबंध में आपको विचार करना है। उन्नत हल्का जो हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव MK3 विमान भारत और रूस के सहयोग से विकसित किया गया है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा ये एक जुड़वा इंजन बहुभूमिका मिशन नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर दिए हैं, तो क्या पूछा यहाँ पर देखते हैं इसको। 18 ने, 18 ने पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, हल्का हेलीकॉप्टर जो ये MK3 ये भारत रूस के सहयोग से विकसित, ये करेक्ट है। कौन सा सही नहीं पूछा, सॉरी, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये सही नहीं है, ये गलत है, भारत और रूस के सहयोग से नहीं बनाया गया। सेकेंड स्टेटमेंट बनाने से करेक्ट होगा, ठीक है, ये पूछे कौन सा सही नहीं है, राइट। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखना है, पूछे कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो हमारा होगा गलत होगा, ठीक है। 19 नंबर में देखते हैं, पहला, भारतीय संविधान के राज्यपाल के चुनाव के आधार पर रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया है, गलत है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वर्ष 1979 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान केवल 21 से घटाकर 18 पर कर दी गई थी, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पूछा गया है कौन सा गलत है, गलत हमारा ए हो जाएगा, तो 19 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, वन नेशन वन राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत यहाँ पर लागू किया जा रहा है, ठीक है। तो 20 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके तहत सामाजिक न्याय के लिए भौगोलिक बाधा को दूर करने के लिए खाद्यान्न खाधिकार को सक्षम बनाने की परिकल्पना करता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पूछ क्या रहा है, दोनों सवाल को लिए हमने पूछ क्या रहा है यहाँ से, कौन सा सही है, तो दोनों हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है, सी।
ऐसे 21 नंबर क्वेश्चन है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में उल्लिखित अयोग्यताओं के मानदंड के संबंध में आपको विचार करना है। पहला, उसे किसी भी अपराध के लिए संदर्भ में 2 या अधिक वर्षों के लिए कारावास हेतु दोषी नहीं ठहराया गया हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से, निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति की हिरासत में अयोग्यता का एक मानदंड होगा, ठीक है। ये क्या है, गलत होगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत है। तो पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो हमारा कौन सा सही नहीं है, बी। 21 का हमारा बी आंसर हो जाएगा यहाँ से। 22, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है कौन, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है यहाँ पर, करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा, सी, बाहरी कोर, ठीक है। 22 हो गया। 23 नंबर, पृथ्वी की पपड़ी में दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन सी है, ठीक है। पृथ्वी की जो पपड़ी है उसमें दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन सी होती है, तो यहाँ से आंसर होगा हमारा 23 का, ये होगा लोहा, ठीक है। 23 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 24, पृथ्वी की आंतरिक से बाहरी परतों तक विभिन्न परतों की पहचान कीजिए, इसमें पहचान करना है, तो यहाँ से हमारा आंसर होगा आंतरिक क्रोड, ठीक है, बाहरी क्रोड, मेंटल क्रोड और भूपरपटी। तो यहाँ से डी हमारा आंसर हो जाएगा, जो पृथ्वी की बाहरी परतों तक यहाँ पर विभिन्न परत हैं उनकी पहचान करने में। 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से हमारा गलत होगा। दूसरा, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में स्वराज, सुशासन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एवं शिक्षा जो है उसके लिए अगर संकल्प अपनाया गया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत बता रहे हैं, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसके बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों गलत हैं। पूछे कौन सा सही है, तो डी, मतलब कोई सही नहीं यहाँ पे। 26, संसद में प्रयुक्त किए गए बजट दस्तावेजों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है इसमें से, ठीक है, क्या शामिल नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये खपत बजट जो है यहाँ पर ये शामिल नहीं है, बाकी सब है, आउटकम बजट है, व्यय बजट है, ये बजट पर एक नज़र, ये सब है। 27, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है पूछा है, ठीक है, कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 27 का, देखते हैं इसमें। मोलदी लूनिसोलर कैलेंडर हैदर अली द्वारा पर शुरू किया गया था, पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, ठीक है। 27 का, श्रीरंगपट्टनम का विधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य के बीच यहाँ पर लड़ा गया था, ठीक है। तो क्या होगा, इसका स्टेटमेंट देखते हैं, ये बोला केवल एक केवल दो, तो देखो जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा इसका, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये, पहला यहाँ से स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि हैदर अली द्वारा नहीं शुरू किया गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 27 का हमारा बी, राइट, 27 का बी। 28, OTT प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया के जो आचार संहिता नियम है 2021 उसमें OTT प्लेटफॉर्मों को विनियमित करता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 28 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा। दूसरा, नियमों ने OTT के प्लेटफॉर्मों के लिए 2 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के साथ 1 स्वनियम जो नियामक संरचना है वो भी स्थापित की, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, 28 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, ठीक है, सेकंड गलत होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा, 2 गलत है तो केवल 1 सही यहाँ से, तो 28 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 29, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं GEP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। GEP रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की जाती है, ठीक है। 29 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं किया जाती है। रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 ने संभावित वृद्धि और श्रम उत्पादकता में कम किया है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है दूसरा वाला, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये न्यूज़ में था इस वजह से आज दिखा रहा है। तो इसमें से पहला, कूनो राष्ट्रीय पार्क खथियार गिर शुष्क पर्णपाती जंगलों का हिस्सा है, ठीक है। 30 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, कूनो नदी जो राष्ट्रीय उद्यान है से गुजरती है वो चंबल नदी का एक सहायक नदी है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट हैं। पूछे कौन सा सही है। 31, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण या PM पोषण योजना के संबंध में आपको यहाँ विचार करना है। पहला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए PM पोषण को यहाँ पर मंजूरी दी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। दूसरा, यह योजना स्कूलों के मध्यान्ह भोजन योजना के नाम को अम्ब्रेला कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, गलत है, ये अम्ब्रेला के इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो सिर्फ पहला हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI का उपयोग भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा
डिजिटल अंतरण को प्रतिबंधित करने के लिए पर किया जाता है। ठीक है, तो 32 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, NPCL की स्थापना 2007 के भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यहाँ पर इसमें की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा, सेकंड गलत होगा। ओनली पहला स्टेटमेंट हमारा जो है UPI के बारे में करेक्ट है। ठीक है, 32 का ए। 33, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, G7 का औपचारिक चार्टर एवं सचिवालय नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा 33 का ए करेक्ट है हमारा। दूसरा, भारत ने जर्मनी की अध्यक्षता में 48वें G7 जो सम्मेलन उसमें लाइफ मिशन के यहाँ पर शुरुआत की थी। ये गलत है, लाइफ मिशन न्यूज़ में भी चला है तो आपको याद रखना है। ठीक है, मिशन लाइफ, तो सेकंड गलत है, ओनली वन करेक्ट है यहाँ से। 34, उत्तर प्रदेश राज्य में चमड़ा उद्योग के लिए कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब कौन कौन से केंद्र प्रसिद्ध हैं ये पूछ रहा है, केंद्र शासित नहीं, कौन कौन से केंद्र प्रसिद्ध हैं चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपको ये बताना है 34 नंबर में कौन कौन से। तो हमारे इसका जो आंसर होगा, आगरा लखनऊ तो नहीं होगा यहाँ पे, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 34 का कानपुर एवं आगरा, ये होगा। ठीक है, कानपुर में आपका जो जाज मऊ है वहाँ पर ये फेमस है। ठीक है, अगला देखते हैं 35, गोल्ड रिवर के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? ठीक है, गोल्ड रिवर, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 35 इसका हो जाएगा सुवनश्री या सुवनश्री। ठीक है, तो हमारा ये एंस का आंसर हो जाएगा। 36, सिलनिक्स नौसेना समुद्री अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सिल श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका और यहाँ पर जो हमारा भारत होगा। ठीक है, तो हमारा भारत श्रीलंका बी आंसर हो जाएगा। 37, हाल ही में साइंटिफिक डेटा पत्रिका के प्रकाशित शोध ग्लोबल वार्मिंग के CS10 योगदानकर्ताओं ने भारत में कौन सा स्थान यहाँ पर दिया गया इसको? करेक्ट आंसर 37 का हो जाएगा आपका, पाँचवा स्थान दिया गया। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। ठीक है, तीनों जो है SDG 6 और 3-1 इसके बारे में बता रहा है। पहला क्या होगा? गरीबी को पूर्ण उन्मूलन। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, SDG 3 क्या है? अच्छा स्वास्थ्य और जो तंदुरुस्ती भी करेक्ट है। SDG 6, देखो SDG 6 जो हमारा है ये बोलते हैं कि सभी को स्वच्छ जल और स्वच्छता प्राप्त करने के लिए महत्व की घोषणा करता है, न कि स्वच्छ ऊर्जा, गलत हो जाएगा। तो दो हमारे यहाँ से करेक्ट हैं, केवल एक और दो, तो 38 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, 38 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 39 देखते हैं, 39 है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की थीम क्या थी? ठीक है, 39 नंबर है, क्या थीम थी इसकी? इसकी थीम थी जो हमारा, देखो मानव जीवन में कोई परिवर्तन है ना, मानव जीवन में परिवर्तन, ये क्या इसकी थीम थी यहाँ पर 2021-22 की बता रहे हैं, है ना, उस टाइम की थीम थी। देखो थोड़ा सा ये अभी जो 23-24 है या 24 की जो थीम अभी आएगी वो आपको याद करनी है, अगर आ जाती है 24 को ठीक है, वरना 23 की याद करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पुराना हो जाता है, ये आपको नहीं याद करना है, मैंने बता दिया आपको मानव जीवन में परिवर्तन, ये आपकी 2021-22 की थीम थी। ठीक है, अगला देखते हैं 40, जुलाई 19 जुलाई 2019 को मंगलवार है, तो 16 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? ये थोड़ा कैलेंडर का क्वेश्चन इसमें दे दिया बीच में, तो जो 40 नंबर है हमारा इसका हो जाएगा शुक्रवार होगा। ठीक है, अपना कैलेंडर जो मेथड उससे सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं 41 यहाँ स्प्रिंट है, 42 देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है, उत्प्लावन बल, प्लेसर बल, प्लेसर जमा, गुरुत्वाकर्षण, ज्वारी बल, पृथ्वी के अंदर रेडियो धर्मी धाराएं, इनमें से टेक्टोनिक मूवमेंट के लिए उपरोक्त में से कौन जिम्मेदार हो सकता है? जो हमारे टेक्टोनिक मूवमेंट होते हैं कौन जिम्मेदार में से हो सकता है, इनमें से कौन कौन? ठीक है, तो 42 का हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका उत्प्लावन बल। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, राइट, उसके बाद आपका होगा ज्वारी बल, उसके बाद आपका होगा पृथ्वी के भीतर जो धाराएं, प्लेसर यहाँ पर नहीं होगा, तो हमारा सिर्फ 1, 3, 4, 5 होगा आंसर इसका। तो 42 का ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 43, नीचे दिए गए विकल्प जो यहाँ पर हैं उत्तर विचार करना है आपको, महाद्वीपी एक प्लेट का हिस्सा होता है। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है, क्या हो जाएगा पहला स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ से है इसका 43 का, ये गलत होगा। ठीक है, ये एक प्लेट का हिस्सा नहीं है, समुद्र के बीच की लकीरें और सी फ्लोर का फैलाव समुद्र के स्तर को प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल प्रभावित कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो सी फ्लोर है उसका फैलाव समुद्र के स्तर को भी प्रभावित करेगा, ये करेक्ट है। समुद्र नितल प्रसारण यह साबित करता है कि महासागर में विवर्तनिक गतिविधि का स्थल है। ठीक है, तो तीसरा भी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा, तो 2 और 3 हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ से 44 क्वेश्चन है,
समुद्र तल के प्रसार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, समुद्र तल पर प्रसार सभी मास जो सागरी कटक है उस पर एक समान होता है, राइट। तो 44 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दूसरा, समुद्र तल पर प्रसार मेंटल का समान का परिणाम होता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों बातें हमारी जो समुद्र तल के प्रसार उसके बारे में एकदम सही है। तो पूछा कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है, ठीक है, चलो कौन सा गलत इसको बाद में देखते हैं। अगर यहाँ पूछता कौन सा सही है तो हमारा आंसर होता है ये, पूछ रहा कौन सा गलत है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। इस टाइप से आपको मैच करके करना होता है। अगर आप भूलते हो कि क्या पूछ रहा है तो आप एक बार पूछा कौन सा गलत है तो आप भूला करो तो देख लिया, अगर कौन सा सही पूछ रहा है, सही होता तो क्या होता, गलत होता तो क्या होता, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है तो हमारा आंसर डी हो जाएगा यहाँ से। 45, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, प्लेट्स की प्रकृति और यहाँ पर विशेषताएं। ट्रांसफर बाउंड्रीज प्लेट्स की खींचे जाने की जो क्रस्ट जो उत्पन्न है वो होती है, ठीक है। तो पहला जो यहाँ से 45 का बता रहा है स्टेटमेंट, ये क्या होगा, गलत होगा, ये यहाँ पर खींचे जाने के ये क्रस्ट उत्पन्न नहीं होगा। अभी सारी सीमाएं जब प्लेट दूसरे जो नीचे आती है तो क्रस्ट यहाँ पर क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ये आपका करेक्ट होगा सेकंड वाला, ठीक है। और क्या है, अब सारी सीमाएं क्या होती हैं, दरार घाटी जो और नए महासागर उसका निर्माण करती हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दो हमारे यहाँ से दो और तीन करेक्ट हैं, पहला गलत है, यहाँ से आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ से 46 क्वेश्चन है, प्लेट संचलन के संबंध में आपको विचार करना है, प्लेट की गति दर सर्वत्र एक समान होती है, गलत है, क्या एक समान होगी, गलत नहीं होगी। समुद्र तल के प्रसार अभिसरण प्लेट का सीमाओं पर होता है, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय इतिहास में फैले हुए समुद्र तल में दर्ज किया गया, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो सिर्फ ये एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा वाला। 47, प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, मेंटल में समान धारा प्लेट की गति के पीछे प्रेरक शक्तियों में से एक होती है, ठीक है। तो 47 में क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मध्य महासागर कटक क्षेत्र में भूकंप केंद्र क्या गहराई में होते हैं, एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि मध्य कटक जो बात है उसकी बात कर रहे हैं, मध्य महासागर के कटक में। महाद्वीपीय उत्थान मध्य महासागरीय कटक का एक भाग है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 47 का डी। 48, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ट्रांसफॉर्म प्लेट सीमाओं में कोई ज्वालामुखी गतिविधि नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, 48 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं कि कोई गतिविधि नहीं पाई जाती इसमें। दूसरा, रसातल मैदान, ठीक है, जो रसातल के मैदान है इसमें व्यापक मैदान होते हैं जो महाद्वीपीय मार्जिन और जो मध्य महासागरीय कटक उसके बीच स्थित होते हैं, ठीक है, तो हमारा यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, महासागर जो है महासागर के अभिसरण के मामले में पुरानी प्लेट्स अपेक्षाकृत प्लेट्स छोटी प्लेट्स के नीचे धस जाती हैं, गलत स्टेटमेंट, ऐसा है नहीं है, तो सिर्फ हमारा एक स्टेटमेंट करेक्ट है, डी, मतलब सेकंड वाला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। यहाँ से देखो 48 ही क्वेश्चन यहाँ पर इसमें दिए हुए हैं, दो या तीन क्वेश्चन यहाँ से मिस थे तो यहाँ पर नहीं दिए हुए, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, बाकी और भी जो टेस्ट आएगा कंटिन्यू मैं टेस्ट यहाँ पर लाता रहूँगा, जो भी जो जीएस वर्ल्ड है इसमें क्लास टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो टेस्ट मैं लेके आता हूँ, राइट। तो यहाँ पे जितना भी टेस्ट रहेंगे मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, जैसे कि डेली का जो न्यूज़ होता है इंपॉर्टेंट इंग्लिश से जो रहता है उसको हिंदी से ट्रांसलेट करके मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट रहती बातें वहाँ पे आपको बताता रहता हूँ, कौन से पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए है ना प्रीवियस ईयर, तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको वहाँ डिस्कस कराता रहता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो, राइट, मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और सर्च भी कर सकते हो, तो यहाँ पर नाम भी शो कर देता हूँ मैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।